जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 22। अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राजगुह्य योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन जे क्यों भी हमारा अभिलाषा रखत है और बिना किसी अन्य लाभ की इच्छा के हमारा ध्यान करत है, जे हमका चाहत है और हमार पूजा करत है, और जे हमका चाहत है और हमेशा अपने विचारों में हमरे साथ रहा चाहत है और हमरे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकत, उनका महात्मा कहा जात है। अर्जुन हम उन महात्माओं के योगक्षेम या कल्याण के ध्यान रखब, हम उनके योगक्षेम या कल्याण के उत्तरदायी तो लई थी। जौन कुछ भी उनके पास नहीं है हम वो प्रदान करी थी, और जौन कुछ उनके पास है हम उनका सुरक्षित रखी थी। अर्जुन योग के अर्थ है हमका प्राप्त करब, हम इसके उत्तरदायित्व ले थी। क्षेम के अर्थ है दोबारा जन्म और मृत्यु के इस चक्र में ना पड़ब, और ई उत्तरदायित्व भी हमारा है। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि वे योग क्षेम या महात्माओं के कल्याण के उत्तरदायित्व ले थे। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करें। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण जन वास्तव में सर्वोच्च हैं का अपने योगक्षेम या कल्याण के उत्तरदायित्व लेके इच्छा का तीव्र करी। इसके लिए हमका किसी अन्य फल के अपेक्षा किए बिना श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की इच्छा और ध्यान करे के चाहिए। हमका श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के पूजा करे के चाहिए, और हमका उस जगह तक पहुँचे के चाहिए, बढ़े के चाहिए, जहाँ तक हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के बारे में सोचे बिना जीवित न रह सके। इस अभ्यास का करते समय और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते समय आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे का प्रयास करिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन,
हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुच, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए हैं वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ॐ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पर जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।